नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्यचरण कुशवाहा। आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम्स न्यूज़, सच और कुछ नहीं। आइए आज की ताजा खबरों पर नजर डालते हैं, बनी रही हमारे साथ। तो मैं पुनीता मिश्रा, आप देख रहे हैं फ्रेंच टाइम न्यूज। देवी पाटन मंडल ब्यूरो चीफ पुनीता मिश्रा, रिपोर्ट विशाल मिश्रा। खबर है यूपी के गोंडा जिले से। गोंडा जिले के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पुलिस की निरंकुश कार्यशैली के चलते रेप पीड़िता को छुप धोकर गंवानी पड़ी जान। परिवारीजनों ने कार्रवाई की मांग करते हुए महिला का शव पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस के समझाने बुझाने एवं कार्रवाई करने के आश्वासन पर परिजनों ने शव को पुलिस के हवाले किया। घटना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। पुलिसिया कार्रवाई और सिस्टम को लेकर लोगों में काफी आक्रोश रहा है। बुधवार को उसका शव पोस्टमार्टम से वापस लाने पर परिजनों ने शवदाह करने से इनकार कर दिया। परिवारीजनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर रास्ते को जाम कर दिया। हंगामा में तब्दील माहौल को नियंत्रित करने में पुलिस के हाथ पांव फूल गए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत झेलनी पड़ी और मौके पर एसडीएम कर्नलगंज, सीओ कर्नलगंज, सीओ सदर समेत कई थाने के पुलिस व आला अफसर पहुंचे। सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़ा करती और खाकी को शर्मसार करती दिल को दहला देने वाली यह घटना गोंडा जिले की कोतवाली कर्नलगंज क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर कुटाना की है। यहाँ की अनीता पाठक, उम्र 35 वर्ष, पत्नी आनंद कुमार पाठक ने 7 अगस्त 2018 को कोतवाली कर्नलगंज में गैंग रेप धमकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया था। आरोप लगाया कि गांव के ही श्याम कुमार उर्फ बुधई शंकर दयाल उर्फ बबलू पुत्रगण गंगाराम ने मिलकर तांत्रिक विद्या का जानकर बताते हुए उसके पति को एक दूसरी महिला के जाल में फंसा होने का बहाना बताकर उससे पीछा छुड़ाने के लिए तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करते हुए उसे ब्लैकमेल किया और 7 फरवरी 2018 को दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया, जिसका वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ जबरन बलात्कार करते रहे। उसने अपने पति को सारी बात बताई। 7 अगस्त 2018 को उसने कोतवाली में दोनों आरोपियों के विरुद्ध गैंगरेप धमकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया। बीते माह में पुलिस द्वारा कार्रवाई करने के बजाय फाइनल रिपोर्ट लगाए जाने से कोई अधिकारी, कोई दरवाजा, कोई दर, विधानसभा क्षेत्र ऐसा दरवाजा नहीं है जो जहाँ औरत ने मत्था न पटका हो अपना न्याय के लिए। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कितनी लोगों की जान ले जाए। गाँव में 10-20 दस्तक करवाते वो बताते अजीत सिंह अपने अजीत सिंह और देश के सुप्रीम पावर अजीत सिंह लगाई अजीत सिंह न्याय न मिलने की दशा में पीड़िता ने मुख्यमंत्री आवास के सामने करते हैं। इसके संदर्भ में जो अपराधी के परिजनों से 1.5 लाख रुपए लेके और ऑफिस में बैठ के कोई निस्तारण कर देते हैं, वही बता दिया जाए आपका खत्म नहीं लगेगा। ऐसे वहाँ बताया और जिससे मामले का पटाक्षेप हो गया। पुलिस के रवैये से बहुत बहुत महिला अनिता पाठक ने विभागीय लगे हुए भूख के सहारे फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। थाने में अधिकारी आनंद कुमार पाठक का आरोप उसको गंदी गंदी गाली आती है। क्षेत्र पहले बयान आया है, ये दो लड़के गए थे न्याय के लिए, उनसे बात करें तब वो कह रहे हैं अपने। पाठक जी बताइए आपके साथ में क्या क्या हुआ? हमारे साथ में, हम ऐसे कोई अधिकारी नहीं उत्तर प्रदेश में जहाँ हम और हम महिला के साथ में, हमारी औरत के साथ में जहाँ गए ना हो, अपनी मजबूरी नहीं सुनाई हो और हमें न्याय नहीं मिला। आज तक 6 महीने बाद भी न्याय नहीं मिला। कहाँ कहाँ गए आप? ये हम सबसे पहले कर्नलगंज थाने गए, फिर सीओ साहब के यहाँ गए, फिर एसपी के यहाँ गए, फिर एडिशनल के यहाँ गए, फिर डीआईजी के यहाँ गए, फिर मुख्यमंत्री के यहाँ गए, फिर डीजीपी के यहाँ गए। एक बार नहीं, 10-10 बार गए हर जगह और यही गुहार लगाते रहे, हमें न्याय दिला दो। लेकिन ये कर्नलगंज थाने वालों ने न्याय नहीं दिलाया। एक दिन भी यहाँ जाँच करने नहीं आई पुलिस। एक दिन वही कमरे पर बैठ के जो भी आते थे कंप्लेंट, कमरे पर ही बैठ के लिख के और वहाँ वापसी भेज देते थे। हमें न्याय नहीं मिला। अभी एक हफ्ते पहले हम महिला के साथ में एडिशनल साहब के यहाँ गए न्याय के लिए। वो बोले आपकी महिला खराब है इसलिए नहीं न्याय मिल रहा है, इसलिए हमारी महिला ना
उसको न्याय नहीं मिला, वो मजबूरी में वो सोची कि अब एडिशनल से बड़ा गोंडा जिला में कोई जांच करता नहीं है, हमको न्याय नहीं मिल पाएगा, वो अधीर होकर उसने आत्महत्या कर ली। अगर एडिशनल साहब ने ये सांत्वना दी होती कि वो बंद होंगे, जेल जाएंगे, तो हमारी औरत आत्महत्या नहीं करती। अब क्या चाहते हैं हम? सर चाहते हैं जितने भी दोषी हैं इसमें, घूस खाने वाले, घूस देने वाले और जो दो बलात्कार करने वाले, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दो आदमी को तो फांसी होनी चाहिए, शंकर दयाल और श्याम कुमार को फांसी की सजा होनी चाहिए। कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं, एक 10 साल की लड़की, एक 8 साल की लड़की, एक 1.5 साल का लड़का, जो दिन रात मामा को पुकार रहा है। आप भी देख के हैरान हो जाओगे, पूरी समाज यहाँ खड़ी है। हम तभी दाह संस्कार करेंगे जब इन लोगों के कार्रवाई हो जाएगी इन लोगों के खिलाफ। अच्छा, आप कुछ दिन पहले आप वहाँ गए थे विधानसभा? विधानसभा गए थे, वहाँ भी फ़ोन किया, वहाँ जनता दर्शन लगता है, वहाँ से एसपी साहब के पास फ़ोन आया और थाने में फिर से जांच उन्होंने की, फिर भी न्याय में नहीं मिला। हम दोबारा फिर वहाँ गए, योगी जी नहीं मिले, इसलिए हमारी महिला फिर वहाँ मजबूर होकर आत्महत्या कर रही थी। हजरतगंज पुलिस वालों ने सांत्वना दे के बोले तुम्हें न्याय मिलेगा, और उन्होंने बचा लिया हमारी औरत। कितने दिन पहले? ये 11वें महीने की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है। 3 महीने से फिर भटकती रही महिला, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। आज वो फिर से मजबूर होकर उसने आत्महत्या कर ली। महिला जिसने आत्महत्या कर ली थी, उसके परिजन उसका शव रख के प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है पूरा प्रकरण और किस तरह से ये प्रकरण सॉल्व हुआ है? जिन व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया गया था, उनके विरुद्ध इन्होंने कार्रवाई के लिए आवेदन किया है, हम उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। और जो पीड़िता है, जिसने उन कारणों से जिससे वो व्यथित थी आत्महत्या की है, या जो भी चीज़ें आई हैं सामने, अब इन्वेस्टिगेशन में हम लाएंगे उसको और उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। परिवार की क्या मांग थी सर? परिवार को कुछ थोड़ी सी गलतफहमियां हो रही थी, उन्हें ये लग रहा था कि हमें अभी तक न्याय नहीं मिला, आगे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि हम पूर्ण न्याय दिलाएंगे। कहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे सर? प्रदर्शन यही गांव है जहाँ इनका, इसी में प्रदर्शन की एक स्थिति थी, वो थोड़ी कंफ्यूजन था इनको, वो हमने इनको आश्वस्त कर दिया। जो दो आरोपी थे उनका क्या हो, पकड़े गए? हाँ, वो पकड़े गए, जेल में ले गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया है।